भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ टेस्ट मैच अब ऑस्ट्रेलिया की चपेट में आ चुका है। जिस तरह से भारतीय टीम बैकफुट पर गई है, 5 विकेट भारत के गिर चुके हैं और अभी भी भारत पूरी तरह से स्ट्रगल कर रहा है। करीब 175 रनों का अभी भी स्कोर और बनाना है भारत को जीतने के लिए, लेकिन आखिरी जोड़ी यहाँ पर टिकी हुई है हनुमा विहारी और ऋषभ पंत की, जिनसे कुछ खास उम्मीद नहीं की जा सकती। हालांकि हनुमा विहारी अच्छे टच में लग रहे हैं, लेकिन स्कोर इतना ज़्यादा है कि भारतीय टीम शायद ये चीज़ ना कर पाए। लेकिन मैच के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया को सबसे बड़ा विकेट मिला विराट कोहली के रूप में। पहली पारी में विराट आउट तो हो गए, हालांकि वो डिसीजन कॉन्ट्रोवर्शियल है, लेकिन दूसरी पारी में कहकर आउट किया ऑस्ट्रेलिया ने। लगातार सामने गेंद डाल रहे थे नाथन लायन और साफ तौर पर विराट पहले तो बीट हो रहे थे, चौका भी मारा, लेकिन उसके बाद एक बॉल सीधा स्लिप्स में उस्मान ख्वाजा के हाथ में गिरी। इसी तरह से नाथन लायन ने विराट कोहली की सफलता दिलाकर पर्थ टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया की जोरी में डाल दिया। हालांकि भारत को काफी कुछ सीखना है, क्योंकि भारत के बल्लेबाज रन्स नहीं बना पा रहे। एक बार फिर 287 भारत को भारी पड़ रहा है। खैर, ये उम्मीद भी थी, क्योंकि जब इंग्लैंड में 190 भारी पड़े तो ये तो 287 है। लेकिन अब आत्ममंथन करने की ज़रूरत है कि कौन सा खिलाड़ी होगा जो भारत को मैच जिताएगा। ये केएल राहुल और बाकी बल्लेबाज अगर इस तरह से आउट होते रहे तो भारतीय टीम में ओपनिंग की ज़रूरत नहीं है। फिर तो आप अपने टेलेंडर से ओपनिंग करा लीजिए, या फिर विराट और पुजारा, जिन्हें दूसरे तीसरे ओवर में ही बैटिंग करने आना पड़ता है, उन्हीं से ओपनिंग करा लीजिए। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष की रिपोर्ट।